आप लोग देख सकते हैं आज जो भैया लोग मेरे पास कुछ मछलियाँ लेके आए हैं, इसमें मेरे पास तीन फाइल बार्ब है एल्बिनो कॉर्प और एक बड़ी सैची मिलगी। कल जो भैया लोग मछली लाए थे वो वेल टेल मिलगी फिश थी, ये वेल टेल नहीं है, नॉर्मल है। ये तीन फाइल बार्ब है, लीसन थोड़ा सा आप लोगों को गड़बड़ दिख रही होगी, इसको भी ऑक्सीजन कम हो गई क्योंकि ऐसे पन्नी में पैक थी एक्वेरियम के पानी को, जिस पानी में आई थी दोनों पानी को धीरे धीरे ऐसे मिला देंगे, मछलियाँ नया पानी पुराने पानी को मैच कर जाएंगी, थोड़ा ऑक्सीजन मिल जाएगी, तो उनका कॉम्बिनेशन है। और इसमें देखें कुछ शार्क हैं और आपका गोल्ड है और इसके साथ में एक रेडटेल शार्क भी है। पन्नी को भी मैं खोलता हूँ, रेडटेल शार्क काफ़ी बड़ी है, नहीं गुजरे, लेकिन इसमें देख सकते हैं आँख नहीं इस गोल्ड फिश की। अब इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाने में कितनी प्रॉब्लम होती है, क्या क्या हो सकता है, कौन मछली खाई होगी, इतनी बड़ी मिल्की भी खा सकती है, रेडटेल भी बहुत बदमाश होती है, ये भी आँख खा सकती है और टिन फाइल बार भी खा सकती है, नहीं तो इसकी हालत और ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैं गोल्ड को गोल्ड के साथ रख देता हूँ। पंख भी काफ़ी ज़्यादा इसके मुचरे हुए हैं, अब मैं इन्हें डाल रहा हूँ टैंक में।